窃盗です。犯行量です。でも、मुझे लगा मैं नशे की हालत में था और इंसानियत के खाते तो मुझे घर पर छोड़ने के लिए, पर नहीं, तुम मेरी हेल्प नहीं कर रही थी, बस मुझे रात की हेल्प कर रही थी, है ना? तुमने मुझे धोखा दिया ईशानी, तुमने अपनी कंपनी के साथ चीट किया। मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं शराब। झूठ मत बोलो, झूठ मत बोलो। आई नो ये काम तुम्हारा ही, शादी फिक्स होते ही अपनी कंपनी को बेच दिया। हाँ, अगर ये काम चिराग करता ना तब मुझे समझ में आता, पर ईशानी तुम, अरे अपने मोटा बाबूजी की दी हुई वैल्यूज, उनके संस्कार, उनकी परवरिश सब कुछ भूल गई तुम। हाँ, अरे तुम्हें मुझसे बदला लेना था ना, तुम मुझसे बदला लेती, मेरी कंपनी के साथ क्यों खेला तुमने, क्यों गद्दारी की, बोलो। तो वाह, यू आर गुड फॉर नथिंग। मैडम ये देखिए, दिखने में एकदम करीना और बात करने में कैटरीना। कैटरीना? अरे मेरा वो मतलब नहीं था मैडम। अरे मैडम लंदन से पढ़कर आई है ना, और उसकी इंग्लिश वहीं की है, और सबसे बड़ी बात इसकी खुद की यहाँ बुटीक चेन है, और पापा की रेस्टोरेंट चेन, काफी अमीर घराना है इनका। बहुत नखरीली दिख रही है, बहुत नखरीली, देखो फोटो में कैसे नाक घो चढ़ा के रखा है, मेरे रणवीर को नहीं संभाल पाएगी यहाँ दूसरी दिन। अरे कोई बात नहीं मैडम, अरे आप ये देखिए ना, इनकी ना गुजरात में फैक्ट्री है, कपड़ों की बड़ी बड़ी मिले हैं। अच्छा, और सबसे बड़ी बात, पांच बहनों में सबसे बड़ी है ये। पांच बहने? ना बाबा ना, ये पांच बहनों की जिम्मेदारी तो मेरे रणवीर के सर पे आके पड़ेगी। नहीं बाबा, दूसरी दिखाओ बहन, देखो आरवी मेरा इकलौता बेटा है, उसके लिए लड़की भी तो वैसी ही चाहिए ना। हाँ, सर्वगुण संपन्न, ऑल इन वन टाइप, समझ गई ना? हाँ? अरे मिल जाएगी मैडम, जल्दी मैं आपके बेटे के लिए अच्छा रिश्ता लेकर आऊंगी, जो आपके बेटे के लिए एकदम बनी हुई होगी। लेकिन जल्दी लान। अच्छा नहीं, सबसे अच्छा शहर के बेस्ट प्रपोजल्स लेकर आ, वो भी जल्द से जल्द। मैं 10 दिन में शादी करना चाहता। क्यों नहीं सीखा मैं अपनी गलतियों से? कितने सालों में मैंने जब जब उसके पर भरोसा किया, जब जब उसका साथ दिया, उसने बदले में, जब मैं जानता था कि वो चिराग से प्यार करती है, तो क्यों मैंने उसके ऊपर भरोसा किया? क्यों मैं उसे नफरत नहीं कर पाता जैसे वो मुझसे करती है? उसने मेरे इमोशंस का फायदा उठाया, वो जानती थी कि वो क्या कर रही है, और मैं इकरा, वो चिराग के साथ रह रहकर उसी की तरह हो गई है। पता है उसने मेरे साथ क्या किया आज? उसने मुझे और मेरी कंपनी को धोखा दिया। मैंने उस पर भरोसा किया और उसने मेरे साथ, दिख रहा, मुझे तुम्हारी हालत पर हमेशा रोना आया है, लेकिन सच बता, आज मुझे थोड़ी खुशी भी हो रही है, क्योंकि मैं तुझसे हमेशा कहती थी कि ईशानी तुझे अपना नहीं मानती और ना ही कभी मानेगी, लेकिन ये बात तुझे तब समझ में नहीं आई जब तू उसका नौकर था, अब समझ में आ गई है जब वो तेरी नौकर है। चलो कोई बात नहीं, शाम को ही सही, मेरा भोला दिकरा वापस तो आ गया, तू चिंता मत कर दिकरा।
ऐसी लड़की से तेरी शादी करवाऊंगी कि उसके सामने ईशानी का नाम तो क्या चेहरा भी फूल जाएगा। मैं तुम्हारे लिए ऐसा लड़का ढूंढूंगा जो तुम्हें प्रिंसेस बना के रखेगा जैसे मैं रखता हूं, और प्यार प्यार मुझसे भी ज्यादा करेगा। पापा प्लीज, जिंदगी में ना शादी के अलावा भी बहुत सी चीजें होती हैं। आप कोई और बात कीजिए। ऐसी लड़की चुनूंगी तेरे लिए जिसका ओहदा तो ऊंचा होगा लेकिन ना नीचे। इसे आपको पता भी है, कल आपकी बेटी का बर्थडे है। माँ बाप अपना जन्मदिन भूल सकते हैं मगर उसका जन्मदिन कभी नहीं भूलते जिसे उन्होंने जन्म दिया होता है। ताकि वो तेरी खुशी के बारे में पहले सोचे और अपनी खुशी के बारे में बाद। जरा ही चिंता ना कर। हाँ पगली, तेरे जन्मदिन का इंतजार तो मुझे तुझसे ज्यादा रहता है। कल तू पूरे 24 साल की हो जाएगी लेकिन कल का गिफ्ट मैं तुझे आज ही दूंगा। Really? That's so sweet of you. लेकिन आपको पता है क्या, मुझे आपसे कोई गिफ्ट विफ्ट नहीं चाहिए क्योंकि आप ऑलरेडी मुझे सब कुछ दे चुके हो। पर हाँ, फिर भी आप मुझे कुछ देना ही चाहते हो तो पता है क्या दो, अपने जैसा दिमाग और बिजनेस सेंस, ताकि मैं आपसे भी ज्यादा पैसा कमा सकूं। तू मुझसे ज्यादा कामयाब होगी, मेरा आशीर्वाद है तुझे। ये हुई ना बात। लेकिन कल तू कोई भी काम नहीं करेगी, हम सब मिलकर एक साथ तुम्हारा बर्थडे एंजॉय करेंगे और वो भी शुरुआत करेंगे तुम्हारे बर्थडे गिफ्ट के साथ जो बहुत जल्दी यहाँ पहुंचने वाला होगा। जरूर कोई लड़का ही होगा जिससे पापा मेरी शादी कराना चाहते हैं, हमेशा ऐसे ही करते हैं। एक मिनट होल्ड कीजिए, एक। अब तुम यहाँ बैठी रहोगी या जाकर अपना बर्थडे गिफ्ट भी देखोगी? अरे अब तक तो पहुंच भी गया होगा, जाओ जाओ देखो। अरे भाई मैंने ही उसे उस डायमंड के स्टॉक में इन्वेस्ट करने के लिए मना किया था। पता नहीं इस बार कौन सा नमूना है जो मेरा बर्थडे स्पॉइल करने आ रहा है। अच्छा आरवी सर आइए। आप यहां बैठिए सर, मैं बुला के लाता हूं। मुझे पता था ये लड़का ही होगा। सो यू आर माय गिफ्ट। बाय द वे नाइस गिफ्ट रैप, आई मीन नाइस सूट। देखिए मैम, हाँ मैं अच्छे से जानती हूँ कि तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए, बट आई एम रियली नॉट इंटरेस्टेड। पता है जब मेरे पापा कोई भी लड़के को मेरे लिए पसंद करते हैं तो उसमें बहुत सी क्वालिटीज देखते हैं, लेकिन मैं सारे लड़कों को सिर्फ दो कैटेगरीज में डिवाइड करती हूँ, द रिच एंड द पुअर। बट यू नो व्हाट, मुझे ये दोनों ही कैटेगरीज नहीं पसंद क्योंकि अमीर बहुत ही बिगड़े हुए होते हैं और गरीब लालची। अमीर को पैसों की कदर नहीं होती और गरीब वो पैसों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। सो व्हाट योर कैटेगरी, द रिच और द पुअर? तुम लालची हो या बिगड़े हुए हो? ओह
तो तुम्हें गुस्सा भी आता है। But you know what? I don't care. अगर तुम्हें मेरी बातें बुरी लग रही हैं, then you can leave. क्योंकि मुझे शादी करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो तो मेरे पापा हैं। इसीलिए मैं हर लड़के से यूं ही मिल लेती, वरना मैं तो किसी को फटकने भी ना दूं यहाँ पर। जिसे देखो मुंह उठाकर आ जाते हैं यहाँ पे। Okay, that's it. बहुत बोल लिया तुमने और बहुत सुन लिया मैंने। मैं यहाँ पर तुमसे शादी करने के लिए नहीं हूँ। और वैसे कोई क्यों करेगा तुमसे शादी? जिसे ये भी नहीं पता कि घर आए मेहमान के साथ किस तरीके से पेश आया जाता है। तुमने तो लड़कों को दो कैटेगरी में बांट दिया, लेकिन तुम जैसी लड़कियों की सिर्फ एक ही कैटेगरी होती है, वो जो सिर्फ अपने बारे में सोचती और खुद से प्यार करती। पापा के पैसों से सारी जरूरतें पूरी हो जाती हैं, इसलिए दिमाग जरूरत से ज्यादा चलने लगता है। Just listen. Now you listen to me. अपने पापा को रिस्पेक्ट करती हो तो उनके पसंद को भी रिस्पेक्ट करना सीखो, क्योंकि वो माँ बाप ही होते हैं जिनके डिसीजन उनके बच्चों के लिए कभी गलत नहीं होते। And by the way, मैं यहाँ पर तुमसे मिलने नहीं, ज़वेरी सर से मिलने के लिए। मैं अम्मा कहती हूँ। But your guest. तो इसका मतलब तुम वो नहीं हो? ये वो नहीं है जो तुम समझ रही हो। बर्थडे गिफ्ट, ये तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट है और ये है आरवी। तुम्हारी फेवरेट कार खरीदी है। थैंक यू सो मच पापा। एंजॉय। ये मेरी बेटी रितिका है, कल इसका बर्थडे है, इसे ऐसा लग रहा था कि मैं इसके बर्थडे पर इसकी शादी के लिए इसे एक लड़का गिफ्ट देने वाला हूँ। एक्चुअली मेरे ही समझने में कुछ गलती हुई थी। एक और बात समझ लो कि हमेशा के लिए तो अच्छा रहेगा। मैं कभी भी किसी को इंसल्ट करने का मौका या हक कभी नहीं देता। कभी नहीं मतलब कभी भी नहीं। किसी को नहीं मतलब किसी को भी नहीं। और इसके पीछे वजह यह नहीं कि मैं बचपन से ही ऐसा हूं या फिर मैं पहले से ही मुंह में चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुआ हूं। दरअसल मैंने पहले से ही बेइज्जती बहुत सही है। मोटी चमड़ी का हुआ करता था मैं, कभी किसी का ड्राइवर हुआ करता था, किसी भी बात का बुरा नहीं लगता था मुझे। लेकिन तब जिंदगी ने मुझे एक सीख सिखाई कि चमड़ी जितनी मोटी बनाओगे दुनिया उतनी ही खाल उधेड़ेगी, जितना दब के रहोगे दुनिया उतना ही दबाएगी। इसीलिए मैंने तब से बेइज्जती सहना बंद कर दिया। कोई एक सुनाता है तो मैं चार सुनाता हूं, कोई एक लगाता है तो मैं चार लगाता हूं। और हां, तुम मेरी कैटेगरी के बारे में पूछ रही थी ना, सॉरी टू डिसअपॉइंट यू, लेकिन मैं तुम्हारी किसी भी कैटेगरी में फिट नहीं होता, क्योंकि मैं गरीब से अमीर बना, यानी कि मैं ना ही लालची हूं ना ही बिगड़े। लेकिन हाँ, इस वक्त तुम्हारा गेस्ट जरूर हूं। लुक, I'm really sorry. That's okay. And thanks for the gift, पापा। तुम्हें वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला। मुझे लगता है सर आपने मुझे ये पूछने के लिए नहीं बुलाया। कुछ बताने के लिए बुलाया है।
तुम्हें पता है तुम्हें वो कॉन्ट्रैक्ट क्यों नहीं मिला? नहीं सर। क्योंकि अगर तुम्हें वो कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता तो तुम्हें ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलता। मैं कुछ समझा नहीं सर। सबको लग रहा है कि तुम्हारा प्रपोजल किसी और के प्रपोजल से मिलता है, लेकिन मैं जानता हूं तुम्हारा प्रपोजल एक्सक्लूसिव था, इसलिए मैंने आज सुबह उसे तुम्हारे घर से मंगवा लिया। मेरे घर से? सॉरी सर, जवेरी सर ने प्रपोजल मंगाया था, इसीलिए मुझे लाना पड़ा। आपके घर आया था लेकिन आप सो रहे थे, इसीलिए मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया, और बाद में इसीलिए नहीं बताया क्योंकि जवेरी सर ने मना किया। उन्होंने कहा कि वो जो कुछ भी कर रहे हैं आपके फेवर में। मतलब वो फाइल मेरे घर से चोरी नहीं हुई? मैं जानता हूं कि तुम्हारे दिमाग में यही सब चल रहा होगा। इतना कुछ सोचने के बावजूद भी तुम्हें यह जानकर खुशी होगी कि चिराग को जो कॉन्ट्रैक्ट मिला है वो तो महज एक छोटा सा कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन तुम्हें तो मैंने अपनी सबसे बड़ी कंपनी की पार्टनरशिप दी है। हम लोग अब पार्टनर हैं। पर मैं ये डील नहीं कर पाऊंगा। ये क्या कर दिया मैंने? ईशानी पे चोरी का इल्जाम? क्यों नहीं कर पाओगे? क्योंकि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। कैसी गलती? दिमाग सिर्फ तभी काम करता है सर जब दिल पे कोई ठेस नहीं पहुंचती, और आज मैंने उसका दिल दुखा है जो मेरे दिल के बहुत करीब है। तो जाओ सॉरी बोलो उससे और अपना फर्ज निभाओ। फर्ज नहीं, कर्ज। कर्ज उतर जाएगा तो दिल का बोझ भी हल्का हो जाएगा और फिर दिमाग काम करने लगेगा। मैं तुम्हारे बॉस से बहुत इंप्रेस हुआ। इतनी छोटी उम्र में इतनी कामयाबी, जितना यंग है उतना इंटेलिजेंट भी है। लोग अपने कर्जे को अपने सर पर रखते हैं और ये रखता है अपने दिल में। जब ये किसी को दिल में रखेगा सब आंखों पर रखेगा। ईशानी के घर चलो, लिंक रोड। तेज चलाओ। यस सर। ये क्या किया मैंने? मैंने ईशानी पर इतना बड़ा इल्जाम, मैं जब तक उसे माफी नहीं मांग लूंगा मुझे भगवान ये बस फोन उठा ले। किसका फोन है? फोन उठाओ ईशानी। ये क्या तरीका है ईशानी? वो तुम्हारा बॉस है, अगर कोई इंपॉर्टेंट काम होगा तो एटलीस्ट जवाब तो दो। हेलो ईशानी, अब क्या तुम अपने बिल्डिंग के नीचे आ सकती हो? मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तुम मेरी बिल्डिंग के नीचे हो? हाँ, कुछ जरूरी बात करनी थी। क्या बात करनी है? वो भी करनी है, फोन पे करो, मैं बिजी हूँ। देखो फोन पे बात नहीं हो सकती इसलिए तुम्हें मैं नीचे बुला रहा हूँ, प्लीज दो मिनट के लिए आ जाओ। ये तुम्हारा ऑफिस नहीं, मेरा घर है।
अभी तुम्हारे ऑर्डर्स नहीं चले। प्लीज ईशानी, दो मिनट के लिए आ जाओ। लुक, रिक्वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं। अब ऐसे भी आज सुबह जो तुमने मुझे सुनाया, आई डोंट थिंक उसके बाद कुछ कहने सुनने को रहेगा। देखो मैं आखिरी बार कह रहा हूँ, अगर तुम नीचे आ रही हो तो ठीक है, वरना एक बार मैं ऊपर आ गया, उसके बाद जो भी वहां पे होगा उसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं है। फाइन, मैं आ रही हूँ।